तो ये है पैनासोनिक की टफ बुक, जो कि आपको 14 इंच की स्क्रीन में देखने को मिल जाती है। और इस टफ बुक के काफी सारे फायदे हैं, फायदे जैसे मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसके अंदर डिवाइस मैनेजमेंट जो मिलता है वो फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल डिवाइस मैनेजमेंट क्या है, यानी कि आप साइड में से ट्रे निकाल के आप अब इस स्लॉट को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसे ब्लू रे ड्राइव की तरह कर सकते हैं, डीवीडी ड्राइव की तरह कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट सिम कार्ड यूज करना है या सेकंड एसएसडी करना है, जैसा मर्जी आप चाहे, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको इजीली प्लग इन प्लग आउट कर सकते हैं। और इसको अपने पर्सन अनुसार और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको चाहे डीवीडी या ब्लू रे या कैसे भी उसमें आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब एक अच्छा पॉइंट है कि टफ बुक में आपको ये इजिली प्लग इन प्लग आउट मिल जाता है। अब ऐसी अगर मैं दूसरी साइड की बात करूँ तो दूसरी साइड में आप अब इसको फिंगरप्रिंट की तरह, कॉन्टैक्ट सिम कार्ड की तरह और कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड की तरह या फिर सेकंड बैटरी भी की तरह यूज कर सकते हैं। जो इंटरनल बैटरी जो आपको लैपटॉप के साथ मिलती है वो आपको 20 आवर्स का सपोर्ट देती है, और प्लस ये अपने साथ ही आराम से अलग से एक 20 आवर्स का मोर का बैटरी का एक पैकेज भी देते हैं, जिसमें कि अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरी बैटरी को लगा सकते हैं जो अदर 20 आवर्स का आपको सपोर्ट दे देगी। तो काफी अच्छा पॉइंट मिलता है हमें यहाँ पे फ्लेक्सिबल डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर इस पैनासोनिक की टफ बुक में। अब इसके और फीचर्स की मैं अगर बात करूं तो पीछे की साइड में आप अब इस पोर्ट को चेंज करके, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं वीजीए में, सीरियल में कर सकते हैं, लैन में कर सकते हैं, या फिर यूएसबी 3.1 की तरह आपको यूज करना है, कैसे भी करना है आप इस पोर्ट को इजीली निकाल के उसको इस तरह की तरह यूज कर सकते हैं। अब इसकी अगर मैं बात करूं स्लिमनेस की, तो स्लिमनेस आप देख सकते हैं 32.8 की है, और वेट भी सिर्फ 2 केजी के आसपास का, यानी कि आप इसे इजीली कैरी आउट कर सकते हैं कहीं भी और कहीं भी लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल एक अटैची की तरह है जिसमें आप इसको कैरी आउट कर सकते हैं, और सामने वाले को लगेगा कि यार आप एक लैपटॉप नहीं, एक तरह से अटैची को ही कैरी आउट कर रहे हैं। प्लस इसमें ड्रॉप टेस्ट भी किया गया है 3 फीट से, तो यानी कि अगर आपका लैपटॉप 3 फीट से अगर गिरता भी है तब भी आपके लैपटॉप को कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा, बिल्कुल सीमलेस रहेगा। तभी इसका नाम टफ बुक दिया गया है कि भाई जितनी मर्जी गिरे या जितना मर्जी आराम से कैरी करे, कहीं भी लगे, इसको कुछ भी नहीं होगा, इसकी स्क्रीन को भी कुछ नहीं होगा। साथ में ये आपको स्प्लैश प्रूफ, डस्ट प्रूफ, जितने मतलब छोटे मोटे आईपी रेटिंग्स होते हैं सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। बस अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लैपटॉप को साथ में लेकर नहाने चले गए, तब तो ये खराब हो ही सकता है। प्लस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, बैटरी बैकअप आपको यहाँ पे 20 आवर्स का देखने को मिलता है, प्लस एक सेकंड बैटरी ऑप्शनल आपको जो मिल जाती है जो आपको 40 आवर्स का बैकअप टाइम यहाँ पे देगी। इसके अलावा अगर और मैं बात करूं तो इसमें एडवांस सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे ये फेशियल रिकॉग्निशन भी कर सकता है अपने फ्रंट कैमरा के थ्रू, तो काफी अच्छा 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन मिलता है आपको। विंडोज 10 का तो सपोर्ट ही है, इंटेल का हार्डवेयर है, i7 है इसके अंदर, और अगर मैं हाई परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा है। इसके अंदर आपको 4 माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको अपनी वीडियो कॉलिंग करते हुए आप कहीं से भी बोलें तब भी ये आसानी से सारी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेगा, और दो स्पीकर के साथ वॉल्यूम भी काफी अच्छी आती है, काफी लाउड रहती है। प्लस यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में प्राइवेसी कवर भी देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। जब आप कैमरा को यूज ना कर रहे हो आप इस प्राइवेसी कवर को आगे कर दें, और ये यहाँ पे ये ऐसे आगे चलता रहेगा ताकि आपको आपकी प्राइवेसी का कोई भी खतरा यहाँ पे ना हो। प्लस यहाँ पे आपको एक स्टाइलस देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपने लैपटॉप के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं, और ये इजी टू टच है, यानी कि आपकी स्क्रीन भी एक तरह से टच स्क्रीन की तरह काम करेगी, और जहाँ पे स्टाइलस आराम से काम कर सकता है। प्लस यहाँ पे आपको अपने कलर्स के हिसाब से, जैसा आपको कलर अच्छा लगता है आप कीबोर्ड पे वो कलर्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत इसके जो ब्राइटनेस है, लो हाई में सब कुछ आपको अच्छा ही यहाँ देखने को मिलता है। ओवरऑल इसे अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे साइड में भी आपको और स्लॉट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगेन ये एक तरह से कवर के अंदर ही आपको एक कवर को बाहर निकालना होगा, मतलब साइड में ड्रॉप करना होगा, एक कवर अटैच्ड है, ये बाहर नहीं निकलेगा जैसे पहले निकलता है। और यहाँ पे आप लैन, यूएसबी 3.1, हेडसेट की तरह, माइक्रो एसडी कार्ड्स की तरह सब कुछ यहाँ पे आप इजीली यूज कर सकते हैं। सेम आपको पीछे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको एचडीएमआई केबल, यूएसबी 3.1 और नैनो सिम की भी जगह देखने को मिल जाएगी। नैनो सिम यूज करने से फायदा ये होगा कि आपको अलग से कोई डोंगल यहाँ पे लगाने नहीं पड़ेगा, और ये इंटीग्रेटेड एक वायरलेस वाईफाई डोंगल की तरह काम करेगा। तो काफी अच्छी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। प्लस इसमें थर्ड पार्टी में आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको पोर्ट रेप्लिकेटर, 4-डे बैटरी, चार्जर, एसएसडी ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह, मतलब जो जो कुछ चाहिए सब कुछ इजिली अवेलेबल है। ओवरऑल इस टफ बुक में काफी सारी कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, एडिशनल चीजें भी आप यहाँ पे आराम से चाहें तो ले सकते हैं। ओवरऑल यही था टफ बुक का फर्स्ट लुक। तो टफ बुक ओवरऑल तो काफी अच्छी लगती है, लुक वाइज इतनी खास नहीं कहूंगा मैं कि इतनी खास नहीं है लुक वाइज, हाँ प्राइस वाइज तो यार ये काफी अच्छी खास है। अगर बात करें आप, अगर आप शेयर करना चाहते हैं 1,49,000 को, तो ये टफ बुक आपके लिए ही बनी हुई है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई। पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।